बड़ी खबर आ रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में एक समारोह में भागवत ने कहा कि भारत 20 से 30 साल विश्वगुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया कि 20 से 30 साल लगेंगे जब भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो विश्वगुरु बनने से रोकना चाहते हैं और इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। 20-30 साल के बाद भारत को विश्वगुरु हम देखेंगे, ऐसा मैं बड़ा आत्मविश्वास से बताता हूं, हिसाब करके बताता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है। परंतु इसका मतलब यह है कि और 2-3 पीढ़ियां सजग रहकर काम करने वाली बनानी पड़ेगी, आगे भी चलना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट 2-3 पीढ़ियां ऐसी तैयार करनी पड़ेगी। तो हमको ये जान के उन पीढ़ियों को ये देना पड़ेगा, तो उनको देना और इस छल कपट माया का प्रतिकार करना, ये चारों आयाम, संघर्ष, जागरण के लिए सक्रियता, सारे विश्व से संपर्क बनाने की सक्रियता, उसके साथ साथ जीवन का उदाहरण, उसके साथ साथ हमारा ज्ञान बढ़े, हम उस ज्ञान का उपयोग ये जो तमस का अंधकार फैला रहे, छली कपटी आसुरी शक्तियां, उनका उत्तर देना, ये चारों बातें करनी पड़ेंगी।